महेश्वर। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा ग्रही परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र चरण बदलाव करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 26 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर प्रथम चरण में प्रवेश करने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो स्वयं मंगल का नक्षत्र माना जाता है, और जिस चरण में ये प्रवेश कर रहे हैं उसके स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य देव और मंगल दोनों देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र माने जाते हैं। तो 30 नवंबर 2024 तक गुरु की अवस्था इस नक्षत्र में रहने वाली है। तो क्या बदलाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, यह खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 26 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक की समयावधि में मंगल, गुरु और सूर्य, इन तीनों ग्रहों का जो संबंध बना हुआ है, और वृषभ राशि में जो गुरु की वक्री चाल शुरू है, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी। तो मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इनको धनु राशि और मीन राशि का लॉर्डशिप प्राप्त है, स्वामी माने जाते हैं, और नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को धन, शिक्षा, संतान, धर्म, वैवाहिक जीवन, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर ये प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, देखिए जातक के जीवन को बेहतर बनाते हैं। गुरु का जो बली प्रभाव होता है, सबसे पहले जातक के जीवन में विपत्तियां देता है, समस्याएं देता है, उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति उस जातक के जीवन में सभी प्रकार के नाम, सम्मान और सफलता को देने का काम करते हैं। गुरु बलवान होते हैं तो जातक को ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता जीवन में मिलती है और देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो कुंडली में अगर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जातक के जीवन में संतान की प्रगति का योग भी बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान को जरूर पूरी तरह से अर्जित करता हुआ नजर आता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, 26 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी होकर धन भाव में ये परिवर्तन कर रहे हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके आयु भाव पर जा रही है, और नवम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में सूर्य की अवस्था भी बेहतर है और मंगल की अवस्था भी आपके लिए काफी बेहतर है। तो इस समयावधि में सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश से संबंधित कामों में आपको गुरु शुभता देने वाले हैं। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में चौतरफा बोलबाला आपका रहेगा, और करियर के मामले में आपको तरक्की जरूर मिलने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने व्यापार से अच्छा खासा लाभ इस समयावधि में होता हुआ नजर आने वाला है। पुराने समय से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी देने वाला है, यानी मेष राशि वाले जातकों को नई अपॉर्चुनिटीज
इस समयावधि में मिल सकती है। 26 अक्टूबर 2024 से देवगुरु सूर्य के नवांश में प्रवेश करेंगे, तो इस समयावधि में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी योग बहुत ही बेहतर बना हुआ है। सूर्यदेव आपके पंचम घर यानी शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और सूर्य के साथ अपना संबंध बनाने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना जीवन में आपको मिल सकती है। और उसके साथ साथ जातकों के जीवन में देखिए रिश्तों के मामले में समय यहां पर आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में है, तो परिवार के मामले में ये समयावधि जो रहने वाली है इसमें परिवार में नई रूपरेखा, नई क्रियान्वयन और परिवार में नया मार्गदर्शन विकसित होता हुआ नजर आएगा। आपका जो घर परिवार है उसमें नई रूपरेखा बनाई जा सकती है और जातकों को परिवार के सदस्यों का सहयोग भी इस समयावधि में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और आमतौर पर मेष राशि वाले जातक देखिए नींद की समस्या की वजह से परेशान है। शनि की नीच दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है, तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक समस्या भी लगातार बनी हुई है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि समयावधि में देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर यानी आपके रोग भाव पर डालने वाले हैं, तो जातकों के जीवन में शारीरिक रूप से आपको ऊर्जा शक्ति पर्याप्त रूप से देने का काम यहां पर करने वाले हैं। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से अगर मानसिक रूप से आपको ज्यादा समस्याएं हो रही है, तो सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से भी आपको निजात यहां पर मिलने वाला है। अब यहां पर मेष राशि वाले जातकों को दो विशेष बातों का ध्यान आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला, जीवन में किसी भी प्रकार का काम यदि आप कर रहे हैं तो आपको टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। बिना लक्ष्य को लेकर यदि आप काम करते हैं तो ठीक उसी प्रकार की बात होती है जिस प्रकार किसी नाव को पानी में छोड़ दिया जाए और उसे कोई खेने वाला ना हो, कोई पतवार ना हो, तो जिस प्रकार पानी की दिशा जहां जाएगी वहीं नाव भी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में टारगेट बनाकर काम करें, लक्ष्य बनाकर काम करें। 30 नवंबर 2024 तक का समय गुरु के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से भी जीवन में बचने की आवश्यकता रहेगी। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।